करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट अपोजिशन के बारे में मेनली आप कह सकते हो कि दिस इज फंडेड प्रोजेक्ट वैकेंसी इसके लिए नोटिस दिया है एंड दिस इज फ्रॉम आई सी जी ई बी दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ओके और ये सिचुएटेड है न्यू डेली तो सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज अ डी फंडेड प्रोजेक्ट अंडर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स ग्रुप सैलरी जो होगी आपकी वो डिपेंड करता है वो ऑफर की जाएगी एज पर द डीबी टी नॉम्स आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखते हुए एज वेल एज आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए फिर भी इन्होंने यहाँ पे एक रफ बेसिस पे फिर भी एक सैलरी मैंशन की है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी स्टूडेंट या कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका अलग से एक ऑनलाइन इंटरव्यू भी होगा अपार्ट फ्रॉम दिस सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे उन्हीं को इंडिविजुअली इन्फॉर्म किया जाएगा अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन इंटरव्यू ठीक है प्रेफरेंस उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले दी जाएगी जिनके पास एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू द बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल एरिया तो अगर वैकेंसी की बात करें तो ये जो वैकेंसी है दिस इज फॉर द रिसर्च एसोसिएट नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ एक है तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन आपका फुलफिल है तो आप जो है रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिजायरेबल एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेड ड्यूटीज जो है यहां पे ड्यूटीजन करके रखे है जैसे कि सबसे पहले जो बात बोली गई है आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ऑब्लिक बायो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रिफरेबली विद द फॉलोइंग एक्सपर्टाइज फर्स्ट इज अ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक ट्रैक रिकॉर्ड विद एक्सपीरियंस इन द ड्रग डिस्कवरी प्रोजेक्ट इन हाईली इज हाईली डिजायरेबल तो डिजायरेबल बेसिस पे इन्होंने ये कह रखा है कि आपके पास जो है ड्रग डिस्कवरी रिलेटेड प्रोजेक्ट पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज वेल एज सेकेंड वर्किंग नॉलेज ऑफ करेंट ट्रेंड इन द कम्पटेशनल ड्रग डिस्कवरी तो ये सब इनकी जो है एक ढंग से आप कह सकते हो कि एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब एसेंशियल रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं जो कि रहना ही चाहिए ठीक है फर्स्ट इज एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटेशनल टेक्निक्स सच एज द मोलिकुलर मॉडलिंग मोलिकुलर डॉकिंग मोलिकुलर डायनामिक्स स इन द वेब सर्वर डेवलपमेंट एंड थर्ड वन एक्सपीरियंस इन यूजिंग द ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी टूल लाइक ऑटोडॉक और आर डिकट तो ये सारे के सारे असेंशियल रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपके कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायोन्फर्मेटिक्स है तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने डिजायरेबल एज वेल एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट रखी है जो आपको यहाँ पे कंसॉलिडेटेड सैलरी मैंशन करके रखा है वो है फिफ्टी एट थाउजेंड टू एट जीरो पर मंथ ओके इंक्लूडिंग द एच आर ए तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करना होगा इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर पेज को ओपन करवा दिया जाएगा वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी आखिरी डेट होगी थर्ड ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो आप में से जिन भी स्टूडेंट के पास ये सारी के सारी क्वालिफिकेशनस हैं आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी जिससे कि आप डायरेक्टली इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए मेनली जो है अप्लाई कर सकते हैं सारा चीज़ मेंशन करके रखा है इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको सारा आइडिया मिल जाएगा तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन है या फिर आप एलिजिबल हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए बिकॉज इसके अच्छा खासा जो है यहाँ पे स्टाइफ इन्होंने मैंशन करके रखा है एंड ऑफकोर्स इस इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हाई इसलिए है बिकॉज ये पोस्ट रिसर्च एसोसिएट का है ठीक है प्रोजेक्ट जी का नहीं है रिसर्च एसोसिएट का है तो उसमें इसी टाइप की क्वालिफिकेशन की डिमांड रखी जाती है तो मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी आप में से जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है यू कैन अपियर फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू ओके सो थैंक यू सो मच एवरीवन मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में